अगर आप लोग भी बिहार पॉलिटेक्निक में काउंसलिंग किया, अगर आप लोग बिहार पॉलिटेक्निक में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आप लोगों के लिए वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज की इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूं कि आप लोगों का अलॉटमेंट लेटर किस डेट को जारी होगा। साथ में ये भी बताने वाला हूं कि अगर आप लोग बिहार पॉलिटेक्निक में आपका अलॉटमेंट लेटर जारी होता है तो आप लोगों को सबसे पहले अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड करने से पहले आप लोगों को एक दो ऑप्शन ज़रूर आएगा, यस और नो। तो आप लोगों को एस पर क्लिक करना है या नो पर क्लिक करना है, आप लोगों को फुल डिटेल के साथ आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूँ। अगर आप लोगों को एस नो पर क्लिक करने में गलती होता है तो आप लोगों को अच्छा ब्रांच नहीं मिल पाएगा, जिससे कि आप लोगों को एडमिशन में बहुत प्रॉब्लम होगा। तो चलिए आगे बताने वाला हूँ फुल डिटेल के साथ आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप कि क्या करना है, आप लोगों को कैसे करना है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले आप लोगों को बता दूं कि अगर आप लोग पहली बार इस चैनल पर देख रहे हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए एवं बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, क्योंकि बिहार पॉलिटेक्निक से जो भी अपडेट आएगा सबसे पहले इस चैनल के द्वारा आप लोगों तक पहुंचा दिया जाएगा। साथ में अगर मेरे टेलीग्राम ग्रुप में अभी तक नहीं ज्वाइन किए तो सबसे पहले आप लोग क्या करेंगे, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोगों को टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, या इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप लोगों को टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, पिन करके आप लोगों को देखने को मिलेगा, उस पर क्लिक करके सबसे पहले आप लोग टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर लीजिए। चलिए आगे बताने वाला हूँ कि आप लोगों का अलॉटमेंट लेटर कब जारी होगा और आप लोगों को एस पर क्लिक करना है या नो पर, वो भी आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से सबसे पहले आप लोगों को बताने वाला। तो यहाँ पर देख लीजिए सभी चीज़ आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूँ। तो आप लोगों को बता दूँ कि यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूँ, तो इसलिए आप लोग इस वीडियो को बिना स्किप करके देखिए। तो सबसे पहले आप लोगों को बता दूं, यहाँ पर देख लीजिए कुछ चीज़ आप लोगों को समझाने वाला हूँ, वो भी आप लोग ध्यानपूर्वक देखिए। देखिए यहाँ पर सबसे पहले एक नंबर में आप लोगों को जो है सीट मैट्रिक्स, यानी आप लोगों को सीट मैट्रिक्स जो है आप लोगों को वेबसाइट पर 26/8/2022 को ही अपलोड कर दिया गया था। सीट मैट्रिक्स ये हुआ कि आप लोगों को इसमें ये पता चलता है कि आप लोगों को कौन सा कॉलेज में कितना सीट खाली बचा है, कौन सा ब्रांच के लिए, उस अनुसार आप लोग काउंसलिंग किए होंगे। यहाँ पर दो नंबर में आप लोग देख सकते हैं साफ साफ कि आप लोगों का च्वाइस फिलिंग जो आप लोगों को सीट अलॉट जो होगा फर्स्ट राउंड के लिए, उसके लिए जो सीट आप लोगों को च्वाइस फिलिंग काउंसलिंग किया गया था, वो जो आप लोगों को काउंसलिंग करने का डेट जो 1/9/2022 को स्टार्ट कर दिया गया था, वही उसका लास्ट डेट की बात करें तो आप लोगों को जो है 6/9/2022 को इसका एंड डेट था, यानी ख़त्म कर दिया गया, इसका काउंसलिंग डेट खत्म करने का डेट था। लेकिन आप लोगों को फर्स्ट राउंड के लिए जो आप लोगों को सीट अलॉट होगा उससे पहले आप लोगों को जो च्वाइस फिलिंग जो किए थे उसका जो लॉक करने का डेट भी यहाँ पर 6/9/2022 ही रखा गया था। उसके बाद यहाँ पर देख लीजिए आप लोगों को जो फर्स्ट प्रोविजनल सीट अलॉटमेंट रिजल्ट पब्लिक डेट, आप लोगों को बता दूं कि आप लोगों का जो अलॉटमेंट लेटर जारी किया जाएगा यहां पर आप लोग साफ साफ देख सकते हैं 10/9/2022 को आप लोगों का अलॉटमेंट लेटर जारी किया जाएगा। उसके बाद जैसे ही आप लोगों का अलॉटमेंट लेटर जारी किया जाएगा तो इस चैनल के द्वारा आप लोगों तक पहुंचा दिया जाएगा इन्फॉर्मेशन, इसलिए आप लोग चैनल पहली बार देख रहे हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखिए, साथ में टेलीग्राम ग्रुप भी अवश्य ज्वाइन कर लीजिए। तो चलिए आगे बताने वाला हूँ कि आप लोगों को कहाँ पर ध्यान रखना है कि आप लोगों को एस पर क्लिक करना है यानी नो पर। तो आप लोगों को बता दूं कि जैसे आप लोग प्रोविजनल यानी आप लोगों को अलॉटमेंट लेटर जारी होगा उसके बाद अगर आप लोग डाउनलोड कर, तो आप लोगों को बता दूं कि एस पर क्लिक करें या नो पर, तो वो आप लोगों को जैसे अलॉटमेंट लेटर जारी होगा तो आप लोगों को लाइव प्रूफ के साथ आप लोगों को मैं दिखा दूंगा उस दिन। तो यहाँ पर देख लीजिए आगे क्या बताया जा रहा है, यहाँ पर देख लीजिए आप लोगों को डाउनलोडिंग अलॉटमेंट लेटर जो फर्स्ट जो आप लोगों को 10/9/2022 से लेकर आप लोग 14/9/2022 तक आप लोग क्या करेंगे फर्स्ट राउंड का जो है आप लोग अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड कर सकेंगे। उसके बाद यहाँ पर देख लीजिए यहाँ पर और छठा नंबर में बताया गया है कि आप लोगों को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आप लोगों को 11/9/2022 से लेकर 14/9/2022 के बीच में आप लोगों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कहाँ होगा, तो आप लोगों को बता दूँ कि जिस कॉलेज में आप लोगों का एडमिशन के लिए सीट अलॉट होगा उसी में आप लोगों को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी होगा। तो ये ध्यानपूर्वक आप याद रखेंगे और आप लोगों को क्या करना है 11/9/2022 से लेकर 14/9/2022 तक आप लोगों को एडमिशन करा लेना है और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा लेना है। उसके बाद देख लीजिए आप लोगों को क्या ध्यान रखना पड़ेगा, और अगर आप लोग सेकेंड राउंड के लिए आप लोग वहां पर फिलअप कर देते हैं अलॉटमेंट लेटर में, तो आप लोगों को सेकेंड राउंड जो है आप लोगों को यहाँ पर देख लीजिए 19/9/2022 को जारी किया जाएगा। आप लोगों को अभी भी कोई डाउट है तो आप लोग इस वीडियो को कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट कर सकते हैं, जिसका रिप्लाई आप लोगों को जरूर मिलेगा। एवं पहली बार चैनल पर देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में टेलीग्राम ग्रुप भी अवश्य ज्वाइन कर लीजिए। तो चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में न्यू अपडेट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।